हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रॉम रीनी सूद, योर इंग्लिश टीचर. टॉपिक स्टोरी राइटिंग. टुडे वी विल डिस्कस सम यूजफुल टिप्स एंड बेसिक स्टेप्स फॉर स्टोरी राइटिंग. इंट्रोडक्शन. स्टोरी राइटिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट. इट रियली रिक्वायर्स creative thinking, planning, and mastery of narrative skills and language. There is no scope for book backtracking, correction, and reinvention of action. अब story writing जो है एक creative art है. Story लिखने के लिए हमें creative thinking होनी चाहिए हमारी, planning और mastery of narrative skills होने चाहिए हमारे, और language के ऊपर हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए. देर इज़ नो स्कोप फॉर बैक ट्रैकिंग, करेक्शन एंड री इन्वेंशन ऑफ एक्शन. और एक बार ही हमने स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर ली तो उस प्लॉट से वापस जाने की या उस प्लॉट में कोई करेक्शन या इन्वेंशन करने की कोई भी स्कोप नहीं बचेगी. यूजफुल टिप्स. प्लान द एंटायर नरेटिव बिफोर बिगनिंग टू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. स्टोरी का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो लिखने से पहले हमें सारी स्टोरी के बारे में बिल्कुल बिगनिंग से हमें प्लान करना होगा. यूज सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज. और स्टोरी लिखने के टाइम जो है हमारी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए. मेक द बिगनिंग एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल बाय डिस्क्राइबिंग सम एक्शन, सिचुएशन, करेक्टर, सेटिंग और मूड. स्टोरी को बिगनिंग में ही हमें इंटरेस्टिंग बनाना होगा बाय डिस्क्राइबिंग सम एक्शन, कुछ एक्शंस को डिस्क्राइब करके, सिचुएशंस, करेक्टर्स, सेटिंग या स्टोरी के मूड को क्रिएट करके. फर्दर द एक्शन लॉजिकली बट नॉट नेसेसरली क्रोनोलॉजिकली. अब जो हमारा स्टोरी का एक्शन है वो आगे बढ़ना चाहिए, उनका आपस में लॉजिकल तालमेल होना जरूरी है. क्रोनोलॉजिकल मीन्स कि सीरियल ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है. एड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सो दैट रीडर्स कीप गेसिंग व्हाट मे फॉलो एंड रिमेन ग्रिप्ड बाय द नरेटिव. अब उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जरूर होना चाहिए कि जो रीडर है जैसे जैसे वो पढ़ता जाए वैसे वैसे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाए और वो गेस करे कि इसमें आगे और क्या होगा, और पूरी स्टोरी के ऊपर जो रीडर की ग्रिप है वो बनी रहनी चाहिए. डू डेवलप द करेक्टर्स, मेक देम अपीयर टू बी ट्रू टू लाइफ. जो करेक्टर्स हमने इसमें डेवलप करने हैं वो हमें इतने संजीदा होने चाहिए, बिल्कुल ट्रू टू लाइफ होने चाहिए. पढ़ने वाले रीडर को जो ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल सच में हो रहा है जो भी हो रहा है. एड डायलॉग्स टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक. स्टोरी को इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक बनाने के लिए उसमें डायलॉग्स ऐड करने होंगे. फाइंड द स्टोरी एट अ पॉइंट, सॉरी एंड द स्टोरी एट अ पॉइंट वेयर द कन्फ्लिक्ट मे स्टैंड रिजॉल्व. स्टोरी का जो एंड है वो कंक्लूजन होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. गिव द स्टोरी अ सूटेबल टाइटल. और सबसे जरूरी है कि स्टोरी को एक सूटेबल टाइटल दिया जाए. टाइटल इतना सूटेबल होना चाहिए कि जो हमारा रीडर है वो हमारी टाइटल को देख के ही स्टोरी को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए. द बेसिक स्टेप्स टू अ गुड शॉर्ट स्टोरी. प्रोवाइड अ सेटिंग. सबसे पहले तो स्टोरी के लिए एक सेटिंग प्रोवाइड करनी होगी. इंट्रोड्यूस करेक्टर्स, सेटिंग, टाइम, वेदर एटसेट्रा. यू मे स्टार्ट विद अ फ्लैशबैक ऑफ एन इंसिडेंट that happened before your story began. Go on to show something happening or a character doing something. जो आपकी स्टोरी है सबसे पहले आपको उसके करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसकी सेटिंग, टाइम, वेदर, ये सब इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टोरी को फ्लैशबैक से स्टार्ट करो. डायलॉग इंक्लूड कन्वर्सेशन बिटवीन द करेक्टर्स और अ मोनोलॉग टू मेक द नरेटिव इंटरेस्टिंग, ड्रामेटिक एंड ऑथेंटिक. जो डायलॉग है वो एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन जो है वो डायलॉग से होनी चाहिए या मोनोलॉग. मोनोलॉग क्या होता है, ऐसा डायलॉग जिसको एक ही पर्सन बोलता है लेकिन वो बहुत
इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ड्रामेटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। प्लॉट इज द चेन ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स दैट मेक अप अ नरेटिव। प्लॉट एक ऐसा पार्ट है स्टोरी का जो कि एक मेजर पिलर है स्टोरी का, जो कि सारे इवेंट्स को कनेक्ट करता है। इट रेफर्स टू वॉट एक्चुअली अकर्स इन अ स्टोरी एंड इज वन ऑफ द मेजर पिलर्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। ये एक्चुअली बताता है कि स्टोरी में एक्चुअली क्या हो रहा है। टाइटल, गिव द स्टोरी एन इंटरेस्टिंग टाइटल विच कुड बी अ सिंगल वर्ड, अ फ्रेज और अ कंप्लीट सेंटेंस। फिर हमें स्टोरी को टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, और टाइटल हमारा एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा टाइटल है वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना कैची होना चाहिए कि रीडर उस टाइटल को पढ़ के ही उस स्टोरी को रीड करने के लिए मजबूर हो जाए। चूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मेक यूज ऑफ अ मिक्स ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टोरी जो है उसमें हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? पास्ट टेंस, जो कि सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट फॉर्म में होगा। यूज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू डिस्क्राइब करेक्टर्स एंड एक्शंस रिस्पेक्टिवली। और करेक्टर्स और एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज करने चाहिए। इंट्रोड्यूस डायलॉग इन डायरेक्ट स्पीच, मेक योर स्टोरी रीडेबल बाय गिविंग इट्स प्लॉट अ करेक्ट सीक्वेंस। और अपनी स्टोरी को ऐसे रीडेबल बनाना है कि आपका जो प्लॉट है वो सीक्वेंस में चले और जो रीडर है उसका जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ अहेड।